बेटे के मिशन को माँ का समर्थन। मैं भाइयों बहनों कुर्सी के लिए पागल हूं, मैंने घर परिवार सब कुछ देश के लिए छोड़ा। बैंक के काउंटर पर पीएम मोदी की 94 साल की मां। किस निर्णय से तकलीफ होगी, असुविधा होगी, कठिनाइयां होगी। मां ने मानी बेटे की बात। काले धन के खिलाफ मोर्चे पर बेटा, बैंक काउंटर पर माँ। योजना सफल होना तो निश्चित है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काले धन के खिलाफ जब क्रांति की तो 94 साल की उनकी मां बैंक तक पहुंच गई और उनकी मां ने एक संदेश दिया कि बेटा तुम संघर्ष करो, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। पीएम मोदी की मां हीराबा ने आज बैंक पहुंचकर वहां पर अपनी करेंसी बदलवाई। जो पुराने नोट थे उसके बदले उन्होंने नए नोट लिए और काले धन के खिलाफ जब वो भारत माँ के लिए काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो उनकी माँ हीराबा का भी सपोर्ट उनको बखूबी मिल रहा है। 94 साल की उम्र में बैंक अकाउंट पर जाकर बेटे के मिशन को माँ ने सार्थक कर दिया। इसके बाद काले धन के खिलाफ क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए देश के लोगों को नया साहस भी मिला है। सत्तानवे साल की जिस उम्र में एक एक कदम चलना मुश्किल होता है, उसमें लाठी के सहारे बैंक जाकर नोट बदलवाने का साहस करना देश के 125 करोड़ लोगों के लिए एक प्रेरणा जैसा है। चलने में मुश्किलें होने के बावजूद पीएम मोदी की मां हीराबेन ने ये संदेश देने की कोशिश की कि बुजुर्ग होने के बावजूद वो सरकार के फैसले के साथ खड़ी है। मुझे ये मैसेज मिल रहा है कि आम आदमी के लिए तो जो तकलीफ तो है, लेकिन हीराबा जैसी मोदी की माँ होते हुए भी वो यहाँ लाइन में खड़ी रही और पैसा निकाला। हीराबा आज गांधीनगर के रायसन में अपने घर के पास ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में पहुंची। लगातार चलना मुश्किल था तो बैंक के बाहर ही थोड़ी देर कुर्सी पर इंतजार किया। मदद के लिए हीराबा के साथ उनकी पुत्रवधु भी थी, हाथ में 500 के 9 पुराने नोट। परिवार के लोग मदद कर रहे थे और हीराबा के हाथ में नोटों को जमा करने के लिए भरा गया फॉर्म और रूमाल था। देश के सबसे बड़े राजनीतिक नेता की मां का बैंक पहुंचकर नोटों को एक्सचेंज कराना वहां मौजूद लोगों के लिए भी असामान्य था। बहुत अच्छी बात है कि भाई हमारे इंडिया के पीएम की मदर जो यहाँ पे आई थी और उन्होंने लाइन में खड़े होकर पैसे चेंज करा, तो हम तो आम आदमी है तो हम क्यों नहीं चेंज करा सकते। थोड़ी देर के बाद हीराबा उठी और आम आदमी की तरह सीनियर सिटीजन की लाइन में नंबर आने का इंतजार किया। वीआईपी कल्चर के खिलाफ संदेश देकर हीराबा बैंक गई। जब तक हीराबा लाइन में रही, बैंक के कर्मचारियों सहित किसी को ये तक नहीं पता था कि वो प्रधानमंत्री मोदी की मां है। सर, वो बिल्कुल आम आदमी की तौर पे आए थे क्योंकि हमें भी पता नहीं था, हम लोग क्राउड को झेल रहे थे। हमारे यहाँ हर रोज़ हम सीनियर सिटीजन की लाइन एक्स्ट्रा लगाते ही है साइड पे ही, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में देते हैं, उसी लाइन में वो खड़े होंगे, हमें भी पता नहीं था। वहाँ से ही वो अंदर आए, जब क्राउड अंदर आया तभी पता चला कि प्रधानमंत्री जी के माता जी हैं हीराबा। पीएम मोदी ने लोगों से ऐसे ही समर्थन की उम्मीद की थी। पीएम ने कहा कि 70 साल पुरानी बीमारी को दूर करने में वक्त भी लगेगा और लोगों को कठिनाई भी होगी। मैं आज देश के उन करोड़ों लोगों के सामने सर झुकाता हूं
कि सिनेमा के थिएटर पर लाइन लगाते हैं ना, वहां भी झगड़ा हो जाता है, हजारों लोग पैसों के लिए कतार खड़ा के रह गए हैं, लेकिन हर एक के मुंह से एक ही आवाज आ रही है कि ठीक है मुसीबत हो रही है, तकलीफ हो रही है, पैर दुख रहे हैं, लेकिन देश का भला हो। हीरा बा की उम्र काफी ज्यादा है और वो ज्यादा देर तक खड़ी भी नहीं रह सकती। वो अपने परिवार वालों के सहारे बैंक के अंदर चलकर आई। बैंक मैनेजर को फॉर्म और आधार कार्ड की कॉपी दी। दो अलग अलग फॉर्म पर हीरा बा ने अपने बाएं हाथ का अंगूठा लगाया। घर से 1 किलोमीटर दूर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की ब्रांच में हीरा बा का अकाउंट है। नोट बैन के बाद आई नई गाइडलाइन के मुताबिक हीरा बा ने 500 के 9 नोट दिए और वहां कुर्सी पर बैठकर नए नोट मिलने का इंतजार करने लगी। टोटल 4,500 रुपए एक्सचेंज कराए, खुद अपना फॉर्म मुझे दिया और उनका आईडी प्रूफ में आधार कार्ड था, तो वो आधार कार्ड के ऊपर थंब इम्प्रेशन उन्होंने खुद करके फिर मेरे पास सबमिट किया। वो सारा फॉर्म चेक करने के बाद हमने 4,500 लिए और एक्सचेंज में 2,000 की नोट और 10 की और 100 की नोट टोटल मिला के 4,500 दिए हमने। 4,500 के नए नोटों में हीरा बा को 10-10 के नोटों की दो गड्डियां, 100 रुपए के 5 नोट और 2,000 रुपए का एक नया नोट मिला। सर इन्होंने कोई भी डिमांड नहीं की, उन्होंने सिर्फ एक्सचेंज के लिए बोला, जो हमारे पास आरबीआई के थ्रू हमारे करेंसी चेस से जो भी नोट्स आते हैं वही डेली बांटते हैं हम लोग, उसमें 100 का नोट भी आता है, 10 का नोट भी आता है, 2,000 का भी नोट आता है। नोट बदलवाने के बाद हीरा बा ने 2,000 का नया नोट भी दिखाया। बैंक से बाहर आते ही हीरा बा के सामने मीडिया की भीड़ इकट्ठा हो गई। इसके बाद वो अपने बेटे पंकज मोदी के साथ गाड़ी में बैठकर वापस चली गई। हीरा बेन अपने सबसे छोटे बेटे पंकज मोदी के साथ गांधीनगर में रहती है, जो गुजरात सरकार के कर्मचारी हैं। हम सब साथ में आए हैं, बरोबर, ये अच्छा है। उन्होंने कोई अपनी तरीके से कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट नहीं ली है, साधारण नागरिक की तरह वो आए हैं, बहुत खुशी की बात है। और ये स्टेप इतिहास में, भारत के इतिहास में सबसे अच्छा स्टेप है। तो खास तौर पर हीरा बा की इस जेस्चर के चलते लोगों के अंदर एक खास मैसेज भी गया है कि अगर प्रधानमंत्री की माता अगर आम आदमी के तौर पर यहाँ पे पैसा एक्सचेंज करवा सकती है तो आम लोगों को भी करवाना चाहिए। हीरा बा का बैंक जाकर नोट बदलवाना देश के लोगों के लिए एक मिसाल है। ये एक बेटे के देश से काले धन को खत्म करने के मिशन में माँ का समर्थन है, क्योंकि 97 साल की उम्र में बैंक के काउंटर तक जाने की हिम्मत करना काले धन को खत्म करने की क्रांति की शुरुआत करने जैसा है। भार्गव पारिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, गांधीनगर। माँ की बात आते ही पत्थर दिल इंसान भी इमोशनल हो जाता है। पीएम मोदी भी अलग नहीं है। माँ का नाम आते ही पीएम के आंसुओं का बांध क्यों टूट जाता है, ये जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 1 साल पहले प्रधानमंत्री ने अपनी मां हीरा बा के संघर्ष के बारे में क्या बताया था और कैसे वो इमोशनल हो गए थे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी मां को लेकर हमेशा भावुक रहे हैं, ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। लंबे संघर्ष के बाद पीएम मोदी देश में सत्ता की चोटी पर पहुंचे और उनकी जिंदगी संवारने में मां हीरा बा का बड़ा रोल रहा। हीरा बा ने दूसरों के घरों में बर्तन साफ करके नरेंद्र मोदी की परवरिश की। इससे पहले सितंबर 2015 में मां हीरा बा के संघर्ष की दास्तान सुनाते हुए अमेरिका की धरती पर पीएम के आंसुओं का बांध टूट गया। हमारे पिताजी तो बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। भारत जैसे देश में प्रधानमंत्री की मां का एक आम आदमी की तरह जीवन बिताना अपने आप में एक अद्भुत मिसाल है। नोट बदलवाने से पहले गांधीनगर के सरकारी अस्पताल में हीरा बा रेगुलर चेकअप के लिए ऑटो रिक्शे में बैठकर गई थी। नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी हीरा बा ने
कई बार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल किया था। प्रधानमंत्री मोदी के शपथ लेने के करीब दो साल बाद मार्च 2016 में हीराबा प्रधानमंत्री के आधिकारिक निवास में रहने के लिए आई। इस बात की जानकारी पीएम मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर मां के साथ तस्वीरें पोस्ट करके दी। जीवन के शुरुआती मुश्किल दिन और उस वक्त की गई मां की मेहनत पीएम मोदी कभी नहीं भूलते। मां का साथ हाथों की लकीरों को बदलने की ताकत रखता है और इसे पीएम मोदी से बेहतर कौन समझ सकता है। गांधीनगर से भार्गव परीख के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इसीलिए जब भी पीएम की जुबान पर उनकी मां का नाम आता है तो वो इमोशनल भी हो जाता है।